हमने परफॉर्म नहीं किया, हमने क्या कहते हैं क्रिटिसिज्म झेला, दिक्कत ना हो। बोलने वाले आज क्वालिफाई नहीं कर पाए। हाइड्रा को टी थ्री बोलने वाले आज क्वालिफाई नहीं कर पाए। अरे यार देखो, मतलब देखो यार, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ अभी के लिए। देखो गाइस, क्या है ना कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी इतने सारे लोग देख रहे हैं, उन लोग का ओपिनियन चेंज नहीं कर सकता। बट मैं बस ये चाहता हूँ कि जो मेरी सोच है ना, लाइक जो सोच लेके मैं चलता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इस सोच का थोड़ा परसेंट अपने पास रखो, बाकी तो आपकी मर्जी है। दिल से सपोर्ट करो, जो बोलना है बोलो, माँ बहन एक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेरे सामने कोई अगर ऐसी बकचोदी करता तो मैं तो दो रैप्टे खींचता हूँ, उसके बाद बात करता हूँ। लेकिन 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 अब मैं क्या बोलने वाला हूँ वो ध्यान से सुनना। किसने क्या बोला, किसने क्या नहीं बोला, डजंट मैटर, ठीक है, कोई बात नहीं। हमने परफॉर्म नहीं किया, हमने क्या कहते हैं क्रिटिसिज्म झेला, ठीक है, हमने परफॉर्म किया, हमने वाहवाही भी देखी साथ में, ठीक है। अब बात करते हैं किसने क्या बोला, किसने क्या नहीं बोला। जिसने जो बोला कोई दिक्कत नहीं गाइस, इट्स ओके, लोगों को बोलना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि अगर लोग बोलेंगे तो प्लेयर्स उसको लेके मोटिवेट होंगे। जो एक परफेक्ट इंसान होता है ना, जो एक जेंटलमैन होता है, वो कभी किसी की हार पे पार्टी नहीं देता। पार्टी एज इन ये नहीं बोलता कि यार तू हार गया, मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है, आप समझ रहे मेरी बात। जो लोग अच्छा खेले वो आगे बढ़ गए, जो लोग कुछ गलतियों में फंस गए या कुछ और चीजों में फंस गए या कुछ और तरीके से नहीं कर पाए, वो बाहर आ गए, इट्स ओके। भाई दोबारा